ये गलियां हैं जी, छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पर। एक साइड से अगर बंदा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्लाह के घर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ फिर एक बार अपने ही ऑफिस G6 अपारा से शुरू करूँगा। और मेरी बैक साइड पर आप देख रहे हैं, दिन का टाइम हो गया और काफ़ी दिन हो गए हैं, व्लॉग भी नहीं बनवाया और कुछ फोतगियाँ हो गई थी उसमें मसरूफ़ थे, क्योंकि कुल्लू नफ्स ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और आज ये देख रहे हैं पीछे, ये क्योंकि सीडीए वालों ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई, जिसकी वजह से यहाँ पीछे बाज़ार लगता था, बाज़ार भी लगना बंद हो गया है और काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो गई है। और जो दुकानों के बाहर जो लोग एशिया लगाते थे, चीज़ें फ़रोख करते थे, उनको भी उन्होंने बंद कर दिया है। तो खैर, अल्लाह ताला ने शायद उनका रिज़्क किसी और जगह भी लिखा है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान की मुश्किलें आसान फरमाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़े ज़ुहर का टाइम था, नमाज़े ज़ुहर अदा कर ली, अब चलते हैं ऑफ़िस की जानिब। ऑफ़िस का काम वगैरह है वो देखते हैं। जाते हुए मैं ये भी आपको दिखा दूँ कि ये जो तजावजात थे बाहर, काफ़ी रोडों के बाहर जो इन लोगों ने चेयर और कुर्सियां वगैरह लगाई थी, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा काम सिमट गया है। और आज मौसम तो माशाल्लाह अच्छा है, खूबसूरत मौसम है, हवाएं चल रही हैं, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। चलते हैं ऑफिस की जानिब। काफ़ी दिनों बाद रांझा साहब से भी मुलाकात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हैं? खैरियत से हैं? सर ठीक है, आज मौसम काफ़ी अच्छा है और इतनी गर्मी नहीं है जिस तरह रोज़ गर्मी होती है। खूबसूरत, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑफिस से निकला और आ गया हूँ घर, नमाज़े असर का टाइम है। माशाल्लाह मौसम बड़ा प्यारा हो गया, नमाज़े असर अदा करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आज पंखे खुद ही चल रहे हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या शान है मेरे अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली और आज आपको हम विज़िट करवाएंगे बाबा कुद्दूस शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत का। ये पीछे जो हाल है सारा, ये सारा सेन आप रहमतुल्लाह अलैह का है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, औलिया इकराम जहाँ जहाँ पर भी बैठे हैं कमाल करते हैं। तो आप ज़ियारत पर भी, ये पीछे ज़ियारत है बाबा कुद्दूस शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के एक नेक बड़े परगुज़ीदा बुज़ुर्ग गुजरे हैं और इनका फैज़ बड़ी बड़ी दूर तक जारी और सारी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद आज हम विज़िट करवाएंगे आपको अपने राजा बाज़ार और सराफा बाज़ार में। अदब का तकाज़ा है क्योंकि दरबार शरीफ में अंदर लेडीज़ भी सलाम करने आती हैं, इस वजह से मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी पेश कर दी है हज़रत कुद्दूस शाह रहमतुल्लाह अलैह आज, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी दुआएँ करने के लिए आते हैं, फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं और अपनी जो हाजात होती हैं उसको अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, इन वलियों का सदका करके पेश करते हैं, क्योंकि देने वाली ज़ात बिल्कुल अल्लाह की है। अल्लाह अपने नेक बुज़ुर्गों के सदक़े, इनके वसीले के सदक़े हम की मुश्किलें आसान पड़ते हैं। अब चलते हैं बाज़ार की जानब, आज बाज़ार का विज़िट करेंगे। साथ जो वज़ू खाने हैं माशाल्लाह, ये भी तवील और गुसल खाने भी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत बड़ा सेन है, विज़िट करवाऊँगा इंशाल्लाह फिर भी कभी। अभी चलते हैं बाज़ार की जानब। मैं अब आ गया हूँ जी सराफा बाज़ार, आज आपको बताते हैं सराफा बाज़ार की छोटी छोटी गलियाँ, पापड़ा बाज़ार और सराफा बाज़ार की। ये गोल्ड मार्केट है जी रावलपिंडी की, सबसे बड़ी जो गोल्ड की मार्केट है वो सराफा बाज़ार है। पहले आपको लेके चलते हैं पुराने सराफा बाज़ार में। ये गलियाँ हैं जी, छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पर। एक साइड से अगर बंदा आ रहा है तो दूसरी साइड वाला रुकेगा तो आगे जाएगा, क्योंकि बाइक वगैरह भी सारा कुछ इधर ही रुका रहा था। छोटी छोटी गलियाँ,
बड़ा मुश्किल गुजारा है यहाँ पर। जैसा मुझे बुला रहे हैं पर मैं वापसी भी आता हूँ भाई साहब। तो ये बड़ा भटूरे वाला मशहूर है जी यहाँ पर सराफा बाजार में, बड़े पुराने लगाने वाले हैं। खैर यहाँ पर काफ़ी दोस्त अहबाब हैं प्यार मोहब्बत करने वाले। चले एक रुक गया यहाँ से, पहले चलते हैं काशिफ भाई की जानिब, काशिफ भाई से मुलाकात करते हैं पहले। सबसे पहले जी आपको मिलवाते हैं जी उस्मान साहब और इनके वालदा और वालिद, माशाल्लाह उम्रे की अदायगी के लिए गए थे और इन्होंने हमारी ट्रेवल एजेंसी से ही माशाल्लाह होकर आए। इनसे पूछते हैं जी कैसा रहा वहाँ का। जी उस्मान भाई बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। सर कैसा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेहतरीन माशाल्लाह। हमने आपको जो फैसिलिटी दी है वो ठीक दी है, बिल्कुल बहुत अच्छी। मतलब आपने वहाँ पर जाकर हमारे लिए हमारे हक में दुआ की। ये देखें जी मैं ये वीडियो, एक तो वीडियो होती है ना मतलब ज़बरदस्ती, ख़ास तौर पर आप जब उम्रे पर किसी को भेजते हैं ना तो आप ज़बरदस्ती उसको ये नहीं कह सकते कि जी आप मेरी तारीफ़ करो या इस तरह करो उस तरह करो, तो ये तो दिल से जो आ निकलती है वही असर रखती है। चलें जी अल्लाह ताला आपको बार बार मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए, आइंदा भी जो हुए इंशाल्लाह हम भेजेंगे आपको ज़रूर। तो आपने खजूरें नहीं भेजी हमारे लिए? अच्छा अच्छा वो भी लेते हैं। अच्छा थोड़ी देर बैठते हैं भाई के पास फिर आगे चलते हैं। काशिफ साहब काम है जी यहाँ पर आर्टिफिशियल काम है, ये सिर्फ चूड़ियाँ बनाते हैं या और भी कुछ? सिर्फ चूड़ी और कड़ा माशाल्लाह। ये कहाँ कहाँ की चूड़ी और कड़ा मशहूर है? ये सिर्फ पिंडी की मशहूर है और सारा अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान माल जाता है सारा। हाँ चीज़ें तो माशाल्लाह खूबसूरत बनी है, अल्लाह ताला इनके रोज़गार में बरकतें अता फरमाए। काफ़ी जगह इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाएँगे आज इंशाल्लाह। आज हमने विज़िट किया सराफा बाज़ार का, काशिफ भाई से मुलाकात करनी थी। काशिफ भाई से मुलाकात बारिश का मौसम हो गया माशाल्लाह खूबसूरत मौसम, बच्चे सारे खेल रहे हैं। काकी क्या कर रही हो? है जी खेल रही हो, मज़े का मौसम हो गया। अच्छा जी आप क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अच्छा ये सारी बड़ी खुश हैं जी के बारिश होने वाली है और अलियान भी इनके साथ खेल रहा है। जी अलियान कैसा मौसम है? अच्छा अच्छा मौसम है। कैसा मौसम है जी? अच्छा मौसम है। कैसा मौसम है जी? बच्चे खुश हो जाते हैं जब मौसम अच्छा, सारी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है इसकी वजह से बच्चे इंजॉय करते हैं इस मौसम को। खैर आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखें, हमारे पेज को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग बनाकर आप लोगों तक पहुँचाए जा सकें। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।